सुधीर भाई, कितने साल से इंडिया के लिए आप चीयर कर रहे हो? मैं 2001 से कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉडी पेंट कर रहे हैं 2003 मुंबई से, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो 1 नवंबर से मैं बॉडी पेंट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं भी मैच देखे साइकिल से जाकर, 2001 में 3 मैच देखे स्टूडेंट लाइफ में, फिर 2002 में जमशेदपुर साइकिल से मैच देखे इंडिया वेस्ट इंडीज की मैच, और फिर 2003 सर्विसर से मुलाकात मुंबई में हुई, उसके बाद तो हर एक मैच देख रहे हैं। और सचिन सर के साथ जो आपका स्पेशल एक बॉन्ड है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बस सचिन सर की ही प्रेम है, 2003 में पहली बार मिले वन फ्राइडे में, फिर मुझे आमंत्रित किए, उसके बाद हर मैच को पास मिलती है, तो हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। आज सचिन सर रिटायरमेंट को 8 साल हो गए, फिर भी उन्हीं की बदौलत में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड जो इंडिया से बाहर टूर होती है, सचिन सर की ही बदौलत टीम इंडिया को चीयर करते हैं। बॉडी पेंट का आपका जो आप बता रहे थे कि कितना टाइम लगता है आपको पूरा तैयार होने में और उसे उतारने में? सर बॉडी पेंट में नामिल होती है तो 6 घंटे लगते हैं, 5 घंटे बॉडी पेंट, 1 घंटे फेस में, 6 घंटे पेंटिंग में लगते हैं और 3 घंटे उतारने में। और उसका कुछ साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर होता है? नहीं, 17-18 साल से तो पेंट कर रहे हैं, कोई इफेक्ट है नहीं जी, बस शरीर के जो बाल थे वो खत्म हो गए। अच्छा, तो पेंट करना और भी सुविधा हो गई। अच्छा, ये जब तक आप बॉडी पेंट किए रहते तो लोग आपको पहचानते हैं सुधीर गौतम इंडिया के सबसे बड़े फैन, लेकिन जब बॉडी पेंट उतर जाता है, जब आप अपने नॉर्मल गेटअप में रहते हैं जैसे अभी हैं, अभी तो फिर भी आप हम लोग जानते हैं आपको, तो ऐसे में क्या कोई आपको पहचानता है? नहीं, लुकिंग तो यही होता है कि टीम इंडिया का ड्रेस होता है। हाँ, फिर ये मेरे बाल पीछे वाले देख लेते हैं। हाँ, अगर टोपी उतारे जी तो सब जान जाते हैं कि अरे सचिन, लेकिन ऐसे तो बहुत कम पहचानते हैं, लेकिन जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मुझे देखते ही जान जाते हैं कि वो सचिन के साथ, जैसे टोपी उतार के फोटो खिंचाते हैं तो बहुत जमावड़ा हो जाता है। हाँ, मुझे भी फोटो, तो खुशी होती है। अच्छा, इसके अलावा अपने लाइफ में क्या क्या आपने स्ट्रगल देखा है? बस सचिन सर से मिलने के लिए मैं 2001 में साइकिल से जमशेदपुर गए, लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज की थर्ड टेस्ट कोलकाता में चल रही थी और मैं साइकिल से घर से निकल गए पहले वन डे के लिए जमशेदपुर, तो सचिन सर इंजर्ड हो गए टेनिस एल्बो की वजह से वेस्ट इंडीज टेस्ट में। हाँ, वो लंदन ट्रीटमेंट के लिए चले गए, मेरा सपना अधूरा हो गया। 6 नवंबर 2002 को किनन स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज की फर्स्ट ODI, लेकिन तय कर लिए कि जब कभी मुंबई मैच होगी तो साइकिल से सचिन सर के घर जाएंगे, मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, ये मेरा सपना था। ये सपना 2003 वर्ल्ड कप के बाद ट्रायंगुलर सीरीज हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, और 1 नवंबर को मैच थी वानखेड़े में। एंटर कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो सुधीर इज चीयरिंग फॉर हिज आइकन। भारत माता की जय। तो अब जब सचिन नहीं रहते हैं मैदान पर, नहीं रहते हैं, आप तेंदुलकर सपोर्ट करके जाते, तो क्या फीलिंग होती है? सचिन सर भले ही रिटायर हो गए, हमारे दिल में आज भी है जी, और वो ही दिल में है, और सचिन सर ही इंडिया से बाहर का टिकट और वीजा करते हैं तो टीम इंडिया को चीयर करते हैं जी, और इंडिया में तो हर मैच को पास होने की बदौलत मिलती है, तब हम जाकर टीम इंडिया को चीयर करते हैं। सौभाग्य मिला कि सचिन सर फिर ग्राउंड में दिखे रोड सेफ्टी टू वर्ल्ड सीरीज में, तो उन्होंने ही बुलाए और हम उनकी टीम को चीयर कर रहे हैं। कल फाइनल है, तो आपका क्या एक मैसेज है टीम इंडिया के लिए और बाकी के जो इंडियन फैंस हैं? बस यही संघ है, ये संख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान, टीम इंडिया के लिए भी मेरा मैसेज रहेगी, और ये टीम इंडिया के ही मतलब रिटायरमेंट प्लेयर हैं जिनकी वर्ल्ड सीरीज की गई, लेजेंड क्रिकेट बनाया गया जी, तो मैं भी टीम इंडिया को सपोर्ट करता ही हूँ। जब भी सचिन सर किसी भी टूर्नामेंट को खेलते हैं तो हम उनकी टीम को चेयर करने के लिए आ जाते हैं।